वास्तविक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है। कठिन का तात्पर्य एक ही आधार में इतनी बातें एक ही साथ एक ही व्यक्ति के भीतर यह सब संभावनाएं हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं श्री राम कृष्ण देव नरेंद्र के बारे में जब भी बात करते थे तो वे कभी थकते नहीं थे, नरेंद्र की तारीफ करते करते। आप लोगों ने श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग पढ़ा होगा, उसमें बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी जब पहली बार दक्षिणेश्वर में आए, एक रामदयाल बाबू उनके साथ थे और वो रात को वहीं रहे थे। वो लीला प्रसंग में घटना का वर्णन है कि ये बाबूराम महाराज रात को देखते 10-11 बजे सोने के लिए बरामदे में चले गए रामदयाल बाबू के साथ, और श्री राम कृष्ण थोड़ी देर के बाद आकर इन लोगों को कहते हैं रामदयाल बाबू से कि देखो तुम सो गए क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज नहीं सोए, पर देखो कल जाके नरेंद्र से कहना कि वो बहुत दिन हुए यहां आया नहीं है और उसे देखने के लिए मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, जैसे कोई भीगा हुआ गमछा निचोड़ने से जैसा अनुभव होगा वैसे कोई मेरा हृदय निचोड़ रहा है, स्क्वीज कर रहा है, इस प्रकार की पीड़ा मुझे होती है नरेंद्र को नहीं देखने के कारण। तो तुम कल अवश्य जाके नरेंद्र से कहना कि मुझे एक बार मिल ले। रामदयाल बाबू ने कहा हाँ महाराज बताऊंगा। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में चले गए, एक घंटा भी नहीं हुआ फिर वापस आ गए। देखो नरेंद्र को जाके कहना कि मुझे एक बार मिलने के लिए आना। हाँ महाराज मैं कहूंगा। बाबूराम महाराज देख रहे थे, दो बार देखा फिर आए। ऐसी इस प्रकार का यही घटना बारंबार दोहराई सुबह होने तक। बाबूराम महाराज के मन में आया नरेंद्र नाम का ये प्राणी कौन है, कितना दुष्ट है ये, श्री राम कृष्ण इसके लिए इतना तकलीफ ले उठा रहे हैं, इतना कष्ट पा रहे हैं और ये उनको मिलने के लिए आता भी नहीं, ये कौन है नरेंद्र और ऐसे क्या बात है कि श्री राम कृष्ण की इतनी तकलीफ हो रही है। बाद में जब बाबूराम महाराज स्वामी जी के संस्पर्श में आए तब उन्हें मालूम हुआ, और ये बाबूराम महाराज थे जो स्वामी जी को पहले एक नरेंद्र विवेकानंद समझते थे और श्री राम कृष्ण तो भगवान। नरेंद्र के साथ श्री राम कृष्ण का क्या संबंध है, इन दोनों में क्या योग है, क्या मेल है, ये बाबूराम महाराज नहीं समझ सके थे। अभी महाराज जी ने कहा हम लोग क्या समझेंगे, उनके गुरु भाई उनको ठीक ठीक नहीं समझे थे, वास्तविक नहीं समझे थे। श्री राम स्वामी विवेकानंद जी ने जब 4 जुलाई 1902 शरीर छोड़ा बेलूर मठ में, नेक्स्ट डे वाराणसी में खबर आई महापुरुष महाराज के पास कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। दुखी तो हुए लेकिन उन्होंने स्वामी जी का एक फोटो उनके पास था, श्राइन बोल के श्राइन में ठाकुर का फोटो था, तो ठाकुर के फोटो के नीचे स्वामी जी का फोटो भी उन्होंने रख दिया और दो फूल चढ़ा दिए। चलने लगा और बहुत गंभीर हो गए। वहां उस समय बहुत कलकत्ते से भक्त लोग आते थे, आना जाना होता था, तो कुछ 15-20 दिन के बाद कोई कलकत्ते से भक्त आए, किसी ने देखा वहां प्रणाम किया तो देखा श्राइन में जहां ठाकुर को बिठाया है ठाकुर के नीचे स्वामी जी को भी बिठाया है महापुरुष महाराज ने, और महापुरुष सब लोग वहां महापुरुष महाराज वहां दर्शन करते प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने जाकर मास्टर महाशय को बता दिया कलकत्ते में कि देखो तारकदा ने क्या किया, नरेंद्र को ठाकुर के नीचे बिठाया और वहां पूजा हो रही है। मास्टर महाशय को भी अच्छा नहीं लगा, जरा मास्टर महाशय भी जरा चक्कर में आ गए, कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने ये ठीक है कि नहीं, स्वामी शिवानंद जी ने यह बात ठीक की कि नहीं की, इसका निर्णय करने के लिए यह बात मां से पूछी, मां से कहलवाई। किसी ने मां को कहा कि मां तारक महाराज ने शिवानंद जी ने नरेंद्र का फोटो ठाकुर के नीचे बिठाया है और पूजा कर रहे हैं, क्या ये ठीक हुआ? मां ने कहा नहीं बेटा अनुचित हुआ, ये तो उचित नहीं हुआ। श्री राम कृष्ण रहते तो नरेंद्र को सिर पर रखते थे, तारक को बोलो कि नरेंद्र को ठाकुर के बगल में रख दो।
और तब से हम देखते हैं कि स्वामी जी को भी श्राइन में जगह मिल गई। गुरु भाई भी उनमें नरेन देखते थे और नरेन को भी नहीं समझते थे कि नरेन क्या चीज है। श्री राम कृष्ण इस प्रकार से नरेन को समझे थे। स्वामी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, अभी तक हमने जगत ने इसको उन्हें पहचाना नहीं है। और स्वामी जी हम लोगों के लिए क्या कर गए, पूरी मानव जाति के लिए क्या कर गए, वो समझने को और भी शायद 150-200 साल लगेंगे जगत को। हम लोगों का भाग्य ये अच्छा है कि हम लोग ये स्वामी जी और रामकृष्ण देव के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और इस प्रकार स्वामी जी को जानने का प्रयास कर रहे, कोशिश कर रहे, और उनकी कृपा से ही हमें उनकी महानता, उनकी विशेषता दिख रही है। श्री रामकृष्ण वचनामृत गॉस्पेल में हम पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं नरेन कैसा है, बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा आधार। पुकुरों में हलदार पुकुर, मछलियों में रोहू माछ और बांसों में बहुत बड़ा कैविटी वाला बहुत बड़ा बांस, और क्या क्या वर्णन करते थे, नरेन जैसा कोई नहीं, नरेन जैसा कोई नहीं। किसी को समझता नहीं था कि ये क्या मतलब है नरेन जैसा कोई नहीं, नरेन में कितने गुण थे। एक बार वो मेरे लिए वर्ग की किताब पढ़ रहा था, उसमें एक घटना पड़ी थी, तब एकदम लगा कि अरे स्वामी जी को ये कहां से समझा होगा। तब उसका कनेक्शन ठाकुर के इसके उद्गार के साथ लगा। स्वामी जी अमेरिका में एक बार किसी पार्टी में गए थे, तो स्वामी जी को ऐसा ही थोड़ा एक्सपोज करने के लिए किसी ने, एक वहां की एक महिला ने स्वामी जी को सबके सामने पूछ लिया, स्वामी जी मेरी बेटी केमिस्ट्री पढ़ रही है, आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ किताबें सजेस्ट कर सकते हैं। उसे लगा कि बातें हो रही थी कि आजकल का जो ये नया जगत, मॉडर्न युग है, इसके बारे में तो आप पूरे अज्ञानी हैं, आपका सोकॉल धर्म आपके पास होगा, इस प्रकार का भाव उनका था। और सब लोग दंग रह गए जब स्वामी जी ने उस महिला को कहा लिख लो और 18 केमिस्ट्री की किताबों के नाम बता दे, 18 बुक्स ही सजेस्टेड हर। तो स्वामी जी को ये केमिस्ट्री की किताबों का कब स्वामी जी ने पढ़ाई की, उन्हें कब ये नॉलेज हुआ कि केमिस्ट्री में इतने ऑथर्स ने इतना कुछ कुछ वर्क करके रखा है। वे जो कोई जब किसी को देखते थे, जो कुछ चीज ऐसे उनके अंदर आ जाती थी, क्या ये ह्यूमन शक्ति से हो सकता है, ह्यूमन पावर है। एक बार अपने भक्तों के साथ बात करते समय उन्होंने खुद ही कहा था, ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जब सबने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स किया तो 7000 लोग खड़े हो गए, 7000 लोग खड़े हो गए और तालियां बजाई। तो क्या जानते हो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? स्वामी जी ने स्वयं बताया, हम लोग तो अपने अपने अभी सुना था, लेकिन उसमें एक जगह ये भी पढ़ने मिला, स्वामी जी ने कहा कि मेरे जीवन में अब तक मैंने कभी भी एक भी बार अपवित्र चिंतन नहीं किया। देखिए पावर ऑफ प्यूरिटी, स्वामी जी कहते हैं ना अपने मैसेज में, स्वामी जी कहते हैं कि बस कुछ नहीं, हमें सिर्फ पवित्रता की शक्ति में विश्वास करना है। प्यूरिटी एंड अनसेल्फिशनेस ओनली पेज, पवित्रता और निस्वार्थता ही धर्म है, स्वामी जी ने व्याख्या की है। नई व्याख्या है, नया समय है, अब ये व्याख्या लोगों को अंदर उतरती नहीं है। पवित्रता और निस्वार्थता ही धर्म है, वास्तविक धर्म का सार, धर्म का निचोड़ यही है। और ये विवेकानंद जी में था। स्वामी विमलानंद जी के कुछ स्मरण है, संस्मरण है, वे कहते हैं जब मैंने नरेंद्र को स्वामी, तब वे नरेंद्र थे क्योंकि वे विद्यार्थी थे और बाद में वे स्वामी जी बने, ये भी सन्यासी बन गए, लेकिन विद्यार्थी अवस्था में उन्होंने जब स्वामी जी को देखा था तो वे लिखते हैं कि स्वामी जी को देखने से ऐसा लगता था कि ये ध्यान सिद्ध है, हमेशा ध्यान के अंदर है, ध्यान में ही बैठे हुए हैं और जीवंत पवित्रता इनके भीतर है। उन्हें देखकर लगता था कि इनके भीतर पवित्रता है और ये ध्यानस्थ है, और यही वास्तविक धर्म का सार है, ये धर्म है। इस प्रकार का भाव मेरे मन में आता था। देखिए कितनी सही है, अभी महाराज जी ने वही बात कही थी और मैंने भी अभी एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें वही बात पढ़ने मिली। ध्यान, स्वामी जी को ध्यान बहुत प्रिय था। क्यों? श्री रामकृष्ण ने कहा था नरेंद्र ध्यान सिद्ध ऋषि है, ध्यान सिद्ध है, आंख बंद करते ही ध्यान में डूब जाते हैं। हम लोग देहात्म बोध में रहते हैं, मैं देह हूं, हाड़ मांस का एक पुतला हूं, इसी भाव में हम लोग जीते, सामान्य मनुष्य जीता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं
नरेंद्र का स्वामी जी का देशात्म बोध था। कहां देहात्म बोध और कहां देशात्म बोध, पूरे देश को पूरे भारत को वो मैं, इस प्रकार से वो अनुभव करते थे देशात्म बोध। इसलिए देश की सब बातें, यह बात देश की जो कुछ भी विरासत है, इस देश का जो कुछ है, वो सब स्वामी जी अपना उसके साथ तादात में होकर वननेस फील कर उस प्रकार बोलते थे। इसे स्वामी जी के शब्दों में एक विशेष ताकत है, एक शक्ति है। स्वामी जी जब कहते, किसी ने कहा है स्वामी जी जब कहते थे माँ इंडिया, तो माँ इंडिया कहने से ऐसा लगता है अरे बाबा मेरा भारत। जोसेफाइन को उन्होंने कहा था ना, स्वामी जी मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि भारत माने सब निचोड़, सब पूरी ये जो हमारा जो अस्तित्व है, अस्तित्व का निचोड़ भारत है। क्यों? क्योंकि भारत में ही वो संकल्पना है जिसके बारे में परसों महाराज ने विषय रखा है, मोक्ष। ये जो मुक्ति, ये मोक्ष, सल्वेशन, लिबरेशन जिसकी हम बात करते हैं, ये भारत की अपनी संपदा है। इस पर चिंतन भारत ने जितना किया है, और ये मनुष्य का जीवन ही केवल उसके लिए है, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है जो पिछले कुछ 2-4-5-7 हजार के भीतर लुप्त हो गई थी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवती, ग्लानि माने क्या, यही जो रियल वास्तविक सत्य है जिसके लिए मनुष्य को जीना चाहिए। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है, निवृत्ति लक्षण धर्म क्या है, यही भारत का सनातन धर्म है। इसका जब लोप हो जाता है तो अवतार आते हैं। स्वामी जी ठाकुर इसी के लिए पुनः आए थे, इसी धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए आए थे। ये वास्तविक स्वामी जी है। लेकिन स्वामी जी का जो स्वरूप उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिस प्रकार अभी है, जिस समय हमें हम लोग रह रहे हैं, बड़ा कठिन है स्वामी जी को पहचानना। स्वामी जी सन्यासी थे, एक श्रेष्ठ प्रति के सन्यासी, लेकिन उनका रहन सहन, छोटी छोटी बातें बहुत भ्रमित कर देती थी। किसी को समझता नहीं था कि यही स्वामी विवेकानंद है, यही ध्यान सिद्ध महापुरुष है। शरद चंद्र चक्रवर्ती लिखते हैं, एक बार वो कलकत्ते से बेलूरमठ आने के लिए निकले, तो वो जब बोट के लिए गंगा की तरफ जा रहे हैं, तो देखा उन्होंने कि एक गेरुआ वस्त्र में कोई एक कागज की पुड़िया से लेके कुछ खाते खाते कोई एक साधु जा रहा है। पास में जाते देखा तो स्वामी जी चना खा रहे हैं, चना खाते खाते स्वामी जी बोट की तरफ जा रहे थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कहां वर्ल्ड पार्लियामेंट, कहां स्वामी जी को कौन कौन, कैसे दिग्गज लोग स्वामी जी को मान रहे हैं, दिग्गज राजा लोग स्वामी जी के पैर दबा रहे हैं, और वो स्वामी जी बिल्कुल टोटल अनअवेयर अपने खुद के अस्तित्व के बारे में, कुछ पता नहीं, कुछ सोच नहीं, एक बालकवत। ये जो महानता, इतनी ज्यादा बड़ी महानता है कि वो महानता को हम पहचान नहीं सकते। ये छोटी थोड़ी महानता होने से पहचान लेते, लेकिन ये इतनी ज्यादा बड़ी महानता है। इसीलिए हमारे यहां अभी भी भारत में पूरे साधु समाज ने भी अभी अभी थोड़ा थोड़ा स्वीकारा है, अभी थोड़ा थोड़ा समझा है। लेकिन ये ठाकुर और ठाकुर की शिष्य, इन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान के परे या ज्ञान के परे ज्ञानोत्तर जीवन जो दिखाया है, वो ज्ञानोत्तर जीवन का आविष्कार अभी भी हमारे ट्रेडिशनल साधु नहीं समझ पा रहे हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी या ज्ञानी माने एक विशिष्ट प्रकार से ही उसने बिहेव करना चाहिए, इसी प्रकार से रहना चाहिए। विवेकानंद भी एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हो सकते हैं, नहीं समझ सके थे। इसीलिए जब निवेदिता के साथ स्वामी जी अमरनाथ की यात्रा कर रहे थे, तो आप क्या देखते हैं, स्वामी जी के साथ निवेदिता थी, इसलिए साधु लोगों ने उन्हें अपने बीच में अपना टेंट लगाने नहीं दिया। स्वामी जी ने सबके आखिरी लास्ट एक कोने में अपना टेंट निवेदिता के साथ लगाया। क्यों? निवेदिता एक पाश्चात्य है, और पाश्चात्य के साथ म्लेच्छ के साथ रहकर हमारा धर्म चला जाता है। उस समय विवेकानंद जब थे तब ऐसे भाव थे हमारे यहाँ। आज काफी कुछ बदलाव आ गया है, लेकिन स्वामी जी को इस प्रकार पहचान सकना कितना कठिन है। और उस समय जो लोग पहचानते थे, दुर्भाग्य से
स्वामी विवेकानंद श्री राम कृष्ण परमहंस देव के शिष्य श्री राम कृष्ण देव क्या थे और स्वामी जी क्या थे ये नहीं देख के स्वामी जी के भीतर उन्हें एक नरेंद्रनाथ दत्त दिखता था, कलकत्ते का लड़का। इस भाव से वो लोग देखते थे, समझते थे। महापुरुष महाराज ने एक घटना, महापुरुष महाराज के सम्मुख सामने एक बात, एक बार वे आलम बाजार में, आलम बाजार नहीं, वो खेतड़ी के महाराजा ने एक बंगला लिया था वहां पर कलकत्ता में, और स्वामी जी कभी कभी उस बंगले में जाके रहते थे। तो ये स्मृति लिखी है हरिदास मल्लिक ने स्मृति लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी वहां गया था स्वामी जी के, स्वामी से मिलने, महापुरुष भी महाराज भी वहां थे और हम लोग बैठे थे। इतने में वहां एक संस्कृत पंडित आए और उन्होंने, पंडित आकर उन्होंने स्वामी जी को संस्कृत में आशीर्वाद दिया। तो महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, पंडित महाशय आप गृहस्थ है, स्वामी जी सन्यासी है, आपने और परमहंस है, स्वामी जी परमहंस सन्यासी है, आपने उनको आशीर्वाद कैसे दिया? तो उन्होंने थोड़ी माफी मांगी, ओ बोलोगे ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया। लेकिन उन्हें स्वामी जी की महानता समझी नहीं थी। थोड़ी देर बाद स्वामी जी जाने को निकले, पंडित जी से कहते हैं, आलम बाजार में हमारा आश्रम है, हमारा मठ है, वहां हमारे गुरु भाई है, वहां जाकर आप थोड़ी साधु संग करो, थोड़ा साधु संग करो। वो साधु संग करने से उनके पंडित, अपना जो पांडित्य है, वो पांडित्य का अहंकार कम हो जाएगा। फिर सही क्या है और वास्तविक क्या है ये समझेगा। हम लोग अपने अहंकार से आवृत होकर जब स्वामी जी को देखने जाएंगे, हमारी जो धारणा है, भावना है, उसको स्वामी जी के ऊपर आरोपित करेंगे तो सही स्वामी जी क्या है नहीं समझ सकेगा हमें। स्वामी जी को, स्वामी जी जो थे, अगर देखना ही है तो श्री राम कृष्ण की दृष्टि से देखना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण स्वामी जी को इतना महान क्यों समझते थे? श्री राम कृष्ण स्वामी जी को इतना स्वामी जी नरेंद्र जैसा क्यों करते थे? मां ने स्वामी जी की बात को कभी नीचे नहीं गिरने दिया, प्रत्येक बात को नरेंद्र की मां ने उठाया है। और जो भी स्वामी जी ने किया, गुरु भाइयों ने जब मां से पूछा कि नरेंद्र जो कुछ कर रहा है, हमेशा आप देखेंगे कि मां ने स्वामी जी का पक्ष लिया है। क्यों? क्योंकि मां जानती थी कि नरेंद्र के भीतर और दूसरा कुछ नहीं है, श्री राम कृष्ण है। श्री राम कृष्ण ने शरीर छोड़ने के पहले नरेंद्र को बुलाया था और दो दिन पहले दोनों ध्यानस्थ हो गए, अपने सामने बिठाया और फिर अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति स्वामी जी के शरीर के भीतर उन्होंने ढाल दी, संक्रमित कर दी। और फिर हम देखते हैं, किताब में पढ़ते हैं, ठाकुर श्री नरेंद्र स्वामी जी से कह रहे हैं, आज मैंने तुझे सब कुछ देकर मैं फकीर बन गया, अब मां तुमसे बहुत काम कराएगी इस शक्ति से। देखिए, श्री राम कृष्ण और नरेंद्र एक ही शक्ति वाहक थे, दो शरीर थे भिन्न भिन्न, एक में शक्ति का अर्जन हुआ और दूसरी में शक्ति का खर्च हुआ। ठाकुर का शरीर केवल शक्ति कमाने में, अर्जन करने में लगा था, कठोर तपस्या कर मानव जाति के लिए तपस्या की शक्ति उन्होंने अपने भीतर जमा की। अब वही शरीर, यह दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर सकता था, उसके लिए दूसरा सक्षम शरीर चाहिए था, उसके साथ और भी बातों की आवश्यकता थी जो नरेंद्रनाथ में थी। इसलिए सर ठाकुर कहते थे, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने में, खेल कूद, कोई भी किसी भी बात में नरेंद्र इज सब श्रेष्ठ है। और नरेंद्र ध्यान सिद्ध ऋषि है। ध्यान तो माने जो हम लोगों के लिए, मनुष्य के लिए सबसे डिफिकल्ट अगर कुछ होगा तो है ध्यान। बाकी हम सब कुछ कर लेंगे, कराल हो सकेगा, हो जाएगा, ध्यान में बैठ सकना ही हमको नहीं जमता। ध्यान में अगर किसी को कहा कि 3 घंटे चुपचाप बिठा बैठकर दिखाओ, स्वामी जी जब ठाकुर के पास आने के पहले से 8-8, 10-10 घंटे ध्यान में डूबे रहते थे। रात को 9 बजे ध्यान में बैठे तो सुबह 6 बजे ध्यान टूटता था, इस प्रकार ध्यान करते थे वो। तो कहां से आई थी ये विशिष्ट उनकी योग्यता? वो क्योंकि
वे इस जगत के नहीं थे, किसी और जगत के आए, जगत से आए थे। इसलिए सिस्टर क्रिस्टीन ने कहा था, किसी दूसरे ग्रह से कोई एक अजनबी आया था जिसे सामान्य मनुष्य पहचान नहीं सकता, ऐसा एक अजनबी आकर हमारे बीच में रहकर चला गया। इसलिए धन्य है वो देश जहां वो पैदा हुए। और हम लोग कुछ और भी धन्य है कि जो उनके चरणों में बैठ सके। ये स्वामी जी का व्यक्तित्व था, ये स्वामी जी का व्यक्तित्व था। स्वामी जी का व्यक्तित्व केवल एक कभी कभी एक देश प्रेमी, प्रेमी राष्ट्र प्रेमी इस प्रकार से प्रस्तुत होता है। स्वामी जी केवल एक देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी नहीं थे। देश प्रेम कहां से आया था, देश प्रेम का आधार क्या था स्वामी जी के? स्वामी जी के देश प्रेम का आधार भारत की आध्यात्मिकता थी, और वो आध्यात्मिकता भारत में फलती है जिससे पूरी मानव जाति बनी रहती है। धर्म सबको धारण करता है, तो ये धारण करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। भारत बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो मानव जाति बचेगी। इसके लिए विवेकानंद का आना था, और इसी दृष्टि से श्री राम कृष्ण विवेकानंद जी को इतना प्यार करते थे। वे विवेकानंद जी ने भारत भ्रमण किया, कैसी कैसी बातें हुई इसमें आप में से सभी परिचित है, आप तो हमेशा यहां सुनते हैं महाराज जी से, सब जानते हैं। लेकिन विवेकानंद जी का यह जो व्यक्तित्व है यह विशिष्ट, और वो व्यक्तित्व हमें स्वामी जी के पत्रों में मिलता है। टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद, जो विवेकानंद जी स्वामी शिष्य संवाद है, उसमें हमें मिलता है। एक घटना में एक हमारे महाराज जी से सुनी थी। हमारे ही ऑर्डर के दो बड़े साधु थे, बड़े बड़े दो साधु थे, मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार वे वहां, तो वो तो उस समय ब्रह्मचारी थे, सेवक थे, उनके पास खड़े थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, दोनों मित्र थे, प्रेम से बात कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि एक ने कहा कि नहीं स्वामी जी ने ऐसा कहा है, दूसरे ने कहा नहीं स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा, स्वामी जी ने ऐसा कहा है। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे स्वामी जी ने कहा होगा, हमारे स्वामी जी ने नहीं कहा। ये दोनों बड़े बड़े साधु थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बड़े बड़े साधु लोग भी स्वामी जी का विशिष्ट एक हिस्सा, एक एंगल, एक दृष्टिकोण, उसी को लेकर उसमें स्वामी जी मानते थे। स्वामी जी एक मल्टीफेसेटेड बहुआयामी व्यक्तित्व था, और वो बहुआयामी इतना यह कि उसकी विशेषता यह थी कि जो कोई स्वामी जी के संस्पर्श में आता था, जो कोई भी उन्हें एक बार देखता था, वो कहता था कि हाँ एक बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक पुरुष है। अब सो कॉल्ड उनके पास रहने वाले जिन्हें आध्यात्मिक समझता है, जो साधक है, वो भले ही समझ जाए, लेकिन जो कभी कुछ जानता नहीं था, जिसे कुछ पता नहीं, ऐसी दो घटना एकदम मुझे याद आ रही है। एक वो स्वामी जी अमेरिका में जब थे, और वे लोग कुछ भक्तों के साथ लेकर पिकनिक पर बाहर गए थे, वहां उसमें एक डिवोटी थी आइला एंसेल, वो थोड़ी पैर से लेम थी, चलने में तकलीफ थी उसे, और वो जब ट्रेन पकड़ने जा रही थी, स्वामी जी उसे ट्रेन तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। वो छोटी छोटी लाइन थी, और लाइन के साथ साथ ये लोग स्टेशन जा रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ, तो देखा कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट रही है, जस्ट छूटी थी। और ये लोग तीन डब्बे की तो गाड़ी थी, इंजन था और तीन कंपार्टमेंट्स थे। तो जैसे वो इंजन के पास आए तो स्वामी जी ने हाथ दिखा दिया, तो ड्राइवर लोगों ने वो गाड़ी रोक दी वहां पर। तो वो आइडा वहीं पर, वो पहली कंपार्टमेंट में इंजन ड्राइवर के पास वाले, वहां वो चढ़ रही थी। तो एक इंजन ड्राइवर अपने दूसरे साथी से, कलीग से पूछता है कि हु इज दैट स्काई पायलट। तो ये कहती है, ये लिखती है कि ये स्काई पायलट टर्म मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन बाद में मैंने समझा कि स्काई पायलट माने एक धर्म गुरु। ये कौन धर्म गुरु है? देखिए, वो इंजन ड्राइवर पहली बार इस प्रकार के कोई एक व्यक्ति को देखा, और उनके देखते ही उनके अंदर ये भाव आया कि ये कोई धर्म गुरु होने चाहिए। स्वामी जी तो कोट पैंट में थे, लेकिन फिर भी देखकर उन्हें वो उस प्रकार धर्मगुरु प्रतीत हुए। महापुरुष महाराज के साहित्य में हम बार बार पढ़ते हैं कि साधु की पहचान क्या है। साधु की पहचान यही है कि उसके प्रॉक्सिमिटी में, उसके पास, उसके जब हम करीब होते हैं, तो हमें ईश्वर का स्मरण होता है।
ईश्वर का स्मरण साधु के पास होता है, जहां जाके अपने आप ईश्वरी भाव आते हैं, ईश्वर में विश्वास आता है, ईश्वर ही सत्य है ऐसा लगने लगता है, वो साधु है। और विवेकानंद जी ऐसे थे, इसलिए विवेकानंद जी के साथ जो लोग भी जुड़े, विवेकानंद जी के संस्पर्श में जो लोग आए, उन्हें विवेकानंद जी की इस प्रकार की एक व्यक्तित्व की एक झलक पाने को मिली, ऐसे विवेकानंद। और फिर वो स्वामी जी को कभी भूल नहीं सकते थे। महाराज ने कुछ घटनाओं से शुरुआत की और वास्तविक इन घटनाओं में ही विवेकानंद जी का असली व्यक्तित्व छिपा हुआ है। विवेकानंद जी को ढूंढना है, विवेकानंद जी कौन है क्या है, ऐसी बाकी जो हमें डिटेल्स उनके चाहिए वो तो सब बायोग्राफीज में मिले हैं, लेकिन ये घटनाएं जो इस प्रकार की दिखाती है, ये घटना इन लोगों ने क्यों लिखी, क्योंकि ये घटनाओं से विवेकानंद जी की विशेषता, उनका जो स्थायी भाव था वो व्यक्त हुआ है, वो प्रकट हुआ है। और उसको अगर हमने छू लिया, उसको पकड़ लिया, तो फिर हम स्वामी जी से प्यार किए बिना नहीं रह सकेंगे, हमको स्वामी जी से प्यार हो जाएगा, और स्वामी जी से प्यार होने से अपने आप स्वामी जी की जो असली बातें हैं वो हमें मिलेगी, समझेगी। क्योंकि कोई भी चीज अपनाने के लिए ना, पहले हमें उसे यू हैव टू एडमायर द थिंग फर्स्ट, एप्रिशिएट। हम जब तक उसको एप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, उसको हम अपना नहीं सकते, पहले हमें एप्रिशिएट करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी के बारे में वो मन्वत गांगुली ने कहा है, आखिरी आखिरी में बोले, शायद लास्ट मीटिंग थी मन्वत गांगुली की स्वामी जी के साथ, वो कहते हैं, स्वामी जी मैंने आपका ज्ञान योग पढ़ा, वो माया का लेक्चर पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे तो ही मुझे समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। स्वामी जी गंभीर हो गए, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कुछ पूछना है पूछो। अब ये बोला तो वो बोला कि मुझे वो माया लेक्चर पढ़ा लेकिन कुछ समझा नहीं, आप समझाइए। स्वामी जी गंभीर होकर बोले, इसको छोड़कर और कुछ पूछ, ये बात मुझे पूछ। तो इसने कहा, यही पूछना था, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे लिए ये चैप्टर क्लोज रह जाएगा, मैं इसे कभी समझ नहीं सकूंगा। तो स्वामी जी ने मन्मथ गांगुली के सामने माया पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। मन्मथ गांगुली लिखते हैं अपने मेमोर्स में कि जैसे स्वामी जी ने माया के ऊपर बोलना शुरू किया, मैं धीरे धीरे देखता हूं कि मेरा मन अंतर्मुख होने लगा। अंतर्मुख होते 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 मैंने देखा कि जिस कमरे में मैं और स्वामी जी बैठे थे वो धीरे 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 मेरे आंखों के सामने घूमने लगा, और घूमते घूमते मैं स्वामी जी को मानसिक दृष्टि से देख रहा हूं, फिर भी देख रहा हूं कि वो पूरा कमरा घूम रहा है, और घूमते 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 ऐसे कहीं दूर किसी चीज में विलीन हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। और फिर देखा कि धीरे 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 सब कुछ इसी प्रकार घूमते घूमते केवल ऐसे हल्के 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 वाइब्रेशंस में, सब तरंग 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 वाइब्रेशंस का मुझे अनुभव होने लगा। फिर देखा कि मेरा खुद शरीर भी वो वाइब्रेशन में एक हो गया, वाइब्रेशन में मेरा शरीर पूरा डिजॉल्व हो गया, स्वामी जी भी वैसे मेल्ट हो गए। केवल फिर भी मुझे स्वामी जी के शब्द सुनाई दे रहे थे, देखा कि स्वामी जी भी वाइब्रेशन है, मैं भी वाइब्रेशन हूं, और ये पूरा संसार विश्व जो कुछ हम देख रहे केवल वाइब्रेशन 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 और कुछ नहीं है। और मैं अचानक बोल पड़ा, स्वामी जी आप भी माया में हैं। तो स्वामी जी मुझे सुनाई दिया, स्वामी जी ने कहा, हां मैं माया के साथ खेल रहा हूं। और फिर धीरे 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 देखा कि फिर वो वाइब्रेशन कम 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 होते 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 इस प्रकार का ये ग्रॉस वर्ल्ड हो गया, पुनः वो कमरा हो गया, मैं हो गया, स्वामी जी हो गए। जब ऐसा हुआ तब मैंने देखा, अरे मैं कहां हूं और स्वामी जी कहां है, कहां कौन स्वामी जी और कौन मैं। लेकिन स्वामी जी ने इस जगत को जो माया कहा है, इस जगत के पीछे जो सत्य है, इस जगत का जो स्वरूप है, वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। ये मैटर में भी स्पिरिट है, लेकिन हम लोग केवल मैटर को लेकर ही जी रहे हैं, मैटर को ही सब कुछ मानकर जीते हैं, यही इसी को कलयुग कहते हैं। इसलिए आज के युग में हम देखते हैं कि ये भौतिक भौतिकता भौतिकवाद भौतिक वस्तुएं लेकर जगत कहां जा रहा है, कितना विकास, सो कॉल्ड विकास जिसको हम विकास कहते हैं, ये विकास कब डूब जाएगा भगवान जाने।
ये विकास जिसको कहते हैं, ये विकास हमें कितना रुला रहा है, कितना दुख दे रहा है, कितना कष्ट दे रहा है। 100 साल पहले स्वामी जी ने वहां, वो अमेरिका में जब वो निकोला टेस्ला के लेबोरेटरी में स्वामी जी गए थे, और ये सो कॉल्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बातें होती थी, स्वामी जी ने तब कहा था, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सब करके आगे के आने वाले मनुष्य को केवल दुख 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 मिलेगा, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, भाई भाई का गला काटेगा पैसे के लिए, यही होगा, पूरी मनुष्यता मर जाएगी। मैंने एक दूसरे साधु से महाराज से सुना था, अच्छे संत थे, ये जो भारद्वाज संहिता बोल के एक हमारे यहां ग्रंथ था, उसमें कहते हैं ये सब शास्त्रीय आविष्कारों का वर्णन है, और कहते हैं आज वो हमारे भारद्वाज संहिता ये जर्मनी में है। सब हमारे पास ये तंत्र ज्ञान था, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इसको आने नहीं देते थे सामने, क्यों? क्योंकि ये आने से भौतिकता बढ़ेगी, भौतिकवाद बढ़ेगा, और मनुष्य अपना वास्तविक लक्ष्य जीवन का भूल जाएगा, और इसीलिए भूल गया है आज। इसलिए श्री रामकृष्ण ने आज से 150 वर्ष पहले हमें संदेश क्या दिया है? अगर हम कहेंगे श्री रामकृष्ण का मेन थीम मैसेज क्या है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, और मींस क्या बताया ठाकुर ने, त्याग, बस इसमें ठाकुर का जीवन आ गया है। ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और उसका साधन है त्याग, और ये दोनों बातें हम विवेकानंद जी के जीवन में देखते हैं। विवेकानंद जी के जीवन में वो ईश्वर प्राप्ति हुए, जिसको श्री रामकृष्ण ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, वो प्राप्ति कर ली है। ये शरीर जो है भौतिक शरीर, उसके पीछे का जो सत्य है, इसलिए स्वामी जी ने हमें जो संदेश दिया है, जो मैसेज दिया है, वो यही दिया है कि शरीर के पीछे हमारी डिविनिटी है, दिव्यता है, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है, और उसको व्यक्त करना बस यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इसी के लिए हम आते हैं। कितने लोग इसको मानेंगे, स्वीकारेंगे? हमारे भीतर दिव्यता है, या हम हाड़ मांस के पुतले नहीं है और कुछ दूसरा है, लेकिन स्वामी जी का मैसेज यह है। और बाकी जो स्वामी जी का इतना मैसेज में कितना, बहुत प्रकार की कितनी किताबें बनी है, छोटी किताबें, मेरे पास भी एक किताब है, कितने मैसेज दिए स्वामी जी ने, एक भी बात अगर हम ले और उस पर चिंतन करें तो समझेगा कि हम बराबर ठीक वहीं पहुंच जाएंगे। स्वामी जी के बहुत ज्यादा उपदेश पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, एक दो बातें अगर लेते हैं, गीता का एक दो श्लोक अगर लेकर थोड़े उसको अच्छे से अनुभव करने की कोशिश करते हैं, पूरी गीता समझ जाएगी। वैसे ही स्वामी जी, उस कोटि के महापुरुष है, इसलिए भविष्य में समय आएगा जब श्री रामकृष्ण विवेकानंद पूरे भारत में छा जाएंगे, होना ही है, अभी उसकी शुरुआत हो गई, ये तो बस शुरुआत है। ये विवेकानंद जी का व्यक्तित्व था, ऐसे था, और उन्होंने हमें जो संदेश दिया है, वो संदेश को हम भी अभी तक ठीक से समझे नहीं है। देखिए हम लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन विवेकानंद जी जिस उद्देश्य से यहां आए थे, वो उद्देश्य को अपने आप वो पूर्ण कर रहे हैं। स्वामी जी गरीबों के लिए, दूसरों के लिए अनुभव करते थे, फील करते थे, भूखे को खिलाओ, देखो आज कैसे सब लोग जहां जहां देखो अन्न छत्र खुल रहे हैं, सब लोगों को खाने को माने फ्री बांट रहे हैं। आजकल तो कितनी ऐसी संस्थाएं खुल गई है, कितने लोग आगे आ रहे हैं, और वो हो रहा है 100-150 साल। स्वामी जी ने 1902 में शरीर छोड़ा, जस्ट कुछ 112 साल हुए हैं शरीर छोड़कर। कितना देख रहे हम, कितना परिवर्तन देख रहे हम भारत में, परिवर्तन जबरदस्त। स्वामी जी को ये देह बोध नहीं था, उसका और एक उदाहरण कि देखो देह बोध छोड़ने के लिए स्वामी जी हमको संदेश दे रहे हैं। कौन ऐसा संदेश दे सकता है जिसे खुद को देह बोध नहीं है, देह बोध के बारे में बिल्कुल माने देह को वो अस्तित्व में ही नहीं मान रहे हैं, तभी तो ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने सबने सुना होगा घटना, वो मालूम है आप लोगों को, सारा वर्ल्डो ने, वो शीशे के सामने स्वामी जी खड़े होते हैं मिरर के सामने, और ये सोचती है, देखो सारा वर्ल्डो की सोच हमारी सोच है, जैसे हम लोग तो देह बोध में रहते हैं, देहात्मा बोध है, तो अपने को तो शरीर ही मानेंगे, अच्छा दिखता हूं, बुरा दिखता हूं, ये है वो है, कम है ज्यादा है जो भी है,
मिरर में देखेंगे। उसने भी यही सोचा कि स्वामी जी मिरर में देख के अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे, अपने आप के बारे में उन्हें लग रहा है कि वाह कितने सुंदर है। लेकिन जब स्वामी जी ने देखा कि वो सारा वर्ल्ड वहां खड़ी है सारा, तो उसको बोलते देखो सारा, मैं मिरर के सामने जाता हूं और खुद को बोलता हूं तू विवेकानंद है, तुझे क्लास में जाना है, तुझे क्लास लेना है। लेकिन जैसे मैं मिरर से पलट जाता हूं, मैं भूल जाता हूं कि मैं विवेकानंद हूं, मुझे क्लास लेना है, मेरा मन कहीं और चला जाता है। कल्पना कीजिए कैसा मन था, जो देह में ही रहना नहीं चाहता। और इसलिए स्वामी जी के लाइफ में भी लिखा है कि स्वामी जी ने जब शरीर छोड़ा तो एक गुरु भाई बोलते थे, जो समझते थे, कि ऐसा लगता था कि उनका जो स्पिरिट है वो उनके शरीर में रह नहीं सकता है। उनका जो भाव है, अभी महाराज ने घटना बताई एक वाराणसी की केलकर जी के सामने की, वास्तविक वो घटना वैसी है कि स्वामी जी का स्पिरिट उनके शरीर में रखना बड़ा मुश्किल था, शरीर को कैसे रख सकेगा। अब ये घटना सुनकर और ये बात पढ़कर फिर हमें समझता है, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि इसने यहां पर जो भी आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई है, अपने खुद के तरफ इशारा करके स्वामी ठाकुर ने कहा था कि यहां की आध्यात्मिक अनुभूतियों का एक लक्षांश माने कितना छोटा कर्ण सामान्य जीव के अंदर अगर आया तो उसका शरीर टूट फूट जाएगा। और स्वामी ठाकुर इतनी आध्यात्मिकता हजम करके बांटने के लिए उस शरीर में थे और उसको पूरा का पूरा उन्होंने विवेकानंद जी के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। तो विवेकानंद जी का शरीर कैसे होगा, अवतारी शरीर था। विवेकानंद जी का शरीर और रामकृष्ण देव का शरीर पे दो नहीं थे, अवतारी शरीर था। और इसीलिए ये विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद हम कहते हैं, ये युग्म अवतार है और ये इनका व्यक्तित्व। अब इनका जो संदेश, एक बहुत सुंदर छोटा सा एक संदेश है स्वामी जी का, बहुत सगड़ी सुंदर है। कुछ कोई भी एक अगर हमारे मन में आए तो उससे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भविष्य में क्या होगा इसी चिंता में जो सर्वदा रहता है, उससे कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जिस बात को तू सत्य समझता है उसे अभी कर डाल। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता। ये देखिए, ये जो स्वामी जी का एक मैसेज है, इसमें एक दूसरी बात भी मिलती है। हम में से बहुत से लोग ना काम शुरू करने के पहले ही करने से क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसके कहे हमारा पूरा जो उत्साह होता है वो ठंडा हो छोड़ जाता है। और बहुत बार अगर हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि बेवकूफ जैसे बिना सोचे आगे बढ़ गया। अरे बिना सोचे कभी कभी आगे नहीं बढ़े तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन खूब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। बाल की खाल निकालकर सोचेंगे तो बस कुछ नहीं होगा। हमें थोड़ा सा सोचो, देखो क्राइटेरिया क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। स्वामी जी ने कहा है जब भी मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ किया है उसमें मुझे सक्सेस मिला है, और जब भी कभी मैंने स्वार्थ से किया, स्वामी जी में क्या स्वार्थ था, फिर भी स्वामी जी कहते हैं कि जब भी मुझ में स्वार्थ आया मैंने देखा कि वो सफल नहीं हुआ है। हमें भी यही कसौटी पे कसना है उसे कि क्या मैं स्वार्थ से प्रेरित होकर ये कर रहा हूं कि निस्वार्थ होकर कर रहा हूं। अगर निस्वार्थ होकर कर रहा हूं तो वो ठीक है, बस ज्यादा मत सोचो, अच्छा लगा तो करो। आज करने का युग है ये, अभी जो कोई जितना भी कुछ करेगा उसे सफलता मिलेगी। जैसा हम करेंगे अपने आप स्वामी जी बैठे सफलता देने के लिए। श्री रामकृष्ण ने अपने दिव्य अनुभूति में देखा था कि इस युग में मनुष्य कर्मयोग के मार्ग से आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होगा। और इसलिए स्वामी जी ने सब ये कार्य इतने कार्य और सब काम धाम बढ़ाया है। ये स्वामी जी का मुख्य लक्ष्य है। और दूसरा एक इस मैसेज में स्वामी जी का हमें एक विचार दिया है स्वामी जी ने कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जगत है ना, इतना सत्य नहीं है जितना हम समझते हैं, इतना सत्य नहीं है। ये जगत बहुत अनित्य नश्वर अशाश्वत, कब क्या होगा कब खत्म हो जाएगा
किसी को पता नहीं आज है कल नहीं है। किसने सोचा था केदारनाथ में लोग वापस नहीं लौटेंगे, 1,00,000 लोग वहीं रह गए। एक पिक्चर में मुझे दिखाया, हमारे भाइयों ने दिखाया, महाराज ये जो स्पॉट है ना, यहाँ पर 500 कार्स थी और यहाँ पर 150 बसेस खड़ी थी, कुछ नहीं है। हमारे इंदौर में एक वॉलंटियर आता है, उसके फैमिली के 13-14 लोग एक साथ खत्म, 13 लोग घर से फैमिली के गए थे, 13 लोग वापस नहीं लौटे, घर में केवल अभी 2 बच गए हैं, पूरी फैमिली, मालूम था किसी को? और आपस में कितने लड़ते थे, झगड़ते थे, क्या क्या करते थे, जगत को बहुत पक्का मान के, सत्य मान के। ये जगत इतना पक्का, इतना सत्य नहीं है। स्वामी जी ने हमें ये विजन दी है, दृष्टि दी है। स्वामी जी का संदेश तो महान है, जो कुछ थोड़ा सा समय जितना दिया था।